आज के वीडियो में बेटा हम लोग जो मोनेरा जगत है ना, मोनेरा जगत के अंदर जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो उपयोगिता है इससे संबंधित जगत के जीवों के उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग माइकोप्लाज्म के बारे में। मोनेरा जगत के अंदर हम लोगों ने देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, नील हरित शैवाल आती है, जीवाणु आते हैं, और एक और नाम मैंने लिखा था अगर आपको याद हो तो, माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको हम जंतु जगत का जो जोकर होता है वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, अब ये जीवाणु से किस तरीके से भिन्न है, क्योंकि जीवाणु से भी क्या होते हैं, ये साइज में छोटी संरचना होती है। आगे बात समझ में, तो मोनेरा जगत का प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो मोनेरा जगत का प्रोकैरियोटिक जंतु जो कि जीवाणु से भी साइज में छोटा है वो क्या कहलाता है, माइकोप्लाज्म कहलाता है। देखो अब इसकी खोज से संबंधित जो आपको नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से हैं, लुईस पाश्चर के द्वारा इसकी खोज की थी, जानवरों के अंदर जो है प्लूरोनुमेनी नामक एक रोग हो रहा था, उस रोग का कारण जो उन्होंने बताया लुई पाश्चर ने, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जीव होता है जो कि क्या करता है प्लूरोनुमेनी जो है जानवरों के अंदर वो कोस करता है, वो बीमारी कोस करता है। अगली बात समझ में, लेकिन उसको उस जीवाणुओं को अलग से निकाल कर जो बाहर का पोषक मीडियम होता है जैसे कि ग्लूकोज शर्करा, इनका जो घोल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संवर्धन माध्यम कहते हैं, शर्करा ग्लूकोज इनका घोल होता है। अगली बात समझ, उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं। तो लुई पाश्चर जो है इसको संवर्धन माध्यम में विकसित नहीं कर पाया था। आगे बात समझ, उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था नोकार्ड और रस्का। इन लोगों ने क्या किया, जो ग्लूकोज और विटामिन्स और विभिन्न जो हार्मोन्स उनका जो घोल होता है जिसे हम संवर्धन माध्यम कहते हैं, उसके अंदर इस माइकोप्लाज्म को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया पीपीएलओ, यानी प्लूरोन्यूमोनिया जैसे जीवधारी। आगे बात समझ में, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, किसने दिया ये आपके एक्स्ट्रा आई थिंक बुक में नहीं दिया हुआ है पर बता रही हूँ। उसके बाद है इसको जो इन्होंने नोकार्ड और रस्का ने पीपीएलओ बोला उसको नोवेक के द्वारा क्या नाम दिया गया, माइकोप्लाज्मा कहा गया। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो नामकरण किसने किया, तो नोवेक के द्वारा किया गया। इसको जंतु जगत का जोकर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सीधी पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है इसकी किसकी बनी होती है बेटा, लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन का क्या मतलब है, प्रोटीन से तो समझ रहे हो, प्रोटीन प्लस लिपिड, लिपिड यानी होता है वसा, वसा और प्रोटीन की बनी होती है और तीन स्तर से बनी हुई होती है, एक दो और तीन, त्रिस्तरीय होती है। आगे बात समझ, उसके बाद यानी फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कोशिका द्रव्य के अंदर जो है नग्न डीएनए है, द्विकुंडली, द्विकुंडली होने का मतलब एक रज्जुक तो ये हो गया और दूसरा रज्जुक ये हो गया, तो नग्न डीएनए जो है द्विकुंडली वो पाया जाता है इसके अंदर, आरएनए पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना, इसके अंदर, और राइबोसोम उपस्थित होता है 70S टाइप का जो प्रोटीन निर्माण मदद करता है, प्रोटीन निर्माण करने में मदद करता है। अब प्रोटीन बनेगा तो कुछ प्रोटीन जो है कोशिका द्रव्य में किस रूप में रहता है, घुलनशील पदार्थ के रूप में रहता है। आगे बात समझ, तो ये आपकी किसकी संरचना हो गई बेटा, माइकोप्लाज्म की हो गई। इसके अलावा जो उपापचय पदार्थ होते हैं यानी जो अभिक्रियाएं होती है जैविक क्रियाएं उनसे संबंधित जो पदार्थ होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। तो उपापचय पदार्थ जो होते हैं, सॉरी उपापचय पदार्थ जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी किसकी संरचना हो गई, माइकोप्लाज्म की संरचना हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जीवाणुओं के अंदर जनन जो होता है वो क्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखो जीवाणु जो है, या हम बोले कि मोनेरा जगत के जीव जो हैं, है ना, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो जो जनन है, लैंगिक जनन तो जनरली उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन तो अनुपस्थित ही होता है, लेकिन कुछ विशेष विधियां होती है जो पाई जाती है लैंगिक जनन की, है ना, वो हम देखेंगे। तीन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, उदाहरण नाम दे रखे तो वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इनमें जो मुख्य जनन होता है वो होता है एक तो कायिक जनन, ठीक है, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। कायिक जनन में द्विखंडन विधि और मुकुलन विधि आती है, ठीक है,
और अलैंगिक जनन के अंदर जो है कोनिडिया द्वारा और अंतः बीजाणु निर्माण के द्वारा क्या करते हैं, ये जनन करते हैं। समझ आ रहा है? तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट पहले बना देती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो अब हम लोग देखेंगे जीवाणु जो है उसमें जनन किस तरीके से होता है, ये आपको ऐसे पूछ ले, मोनेरा जगत के अंदर होने वाले जनन की विधियों के बारे में बताइए, तो आप यही लिखना बेटा। सबसे पहले है, दो विधियां होती है, एक तो होती है कायिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। कायिक जनन के अंदर क्या होता है, शरीर का जो भाग होता है उससे क्या होता है, नए जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है, बीजाणु नामक जो संरचना होती है वो बनती है और उसके द्वारा क्या किया जाता है, अलैंगिक जनन होता है। तो देखो सबसे पहले आता है कायिक जनन। कायिक जनन के अंदर जो पहला चरण आता है वो होता है हमारा द्विखंडन। द्वि मतलब क्या होता है, दो, खंडन मतलब क्या होता है, टूटना। तो जैसे ये जीवाणु है अब उसके बीच वाले हिस्से में क्या होगा, दाब क्रिएट होगा, दाब क्रिएट होगा, इसकी वजह से ये झिल्ली क्या होती है, अंदर वलित होकर टूटना शुरू कर देती है और इसका जो ये जो गुणसूत्र है या जो डीएनए है वो क्या होता है, अस्त्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, दो भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये दाब अधिक होते होते यहां से ये जो कोशिका है वो दो हिस्सों में क्या हो जाती है, टूट जाती है और दो नई संतति कोशिका बन जाती है। तो इसे हम बोलते हैं द्विखंडन। उसके बाद मुकुलन, मुकुलन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। मुकुलन में क्या होता है कि ये जो जीवाणु है उसके जो बाहर वाली सतह होती है उस पर एक अतिवृद्धि का निर्माण होता है, अतिवृद्धि बनना, यानी यहाँ से थोड़ा सा कोशिका द्रव्य इसमें ट्रांसफर हो गया और एक नई सी सेल क्या हो जाती है, बन जाती है, जिसको मुकुल कहते हैं। और थोड़ी सी मेच्योर होने के बाद ये मात्र जो जीवाणु है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आगे बात समझ में? फिर आता है नेक्स्ट अलैंगिक जनन की विधि। अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीजाणु निर्माण के द्वारा। अब ये भी डिपेंड करता है परिस्थिति की अनुरूप, यानी अनुकूल परिस्थिति है तो ये करेगा कौन सी कोनिडिया निर्माण के द्वारा, और विपरीत परिस्थिति है या प्रतिकूल है, परिस्थितियां जीने लायक नहीं है तो किसके द्वारा जनन करेगा, अंतः बीजाणु के द्वारा। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति मतलब खाना पीना रहना टेम्परेचर सबको जीने लायक हो, उसको अनुकूल परिस्थिति बोलेंगे। तो कोनिडिया जैसे ये जीवाणु है ना, तो जीवाणु के ऊपर एक श्रृंखला बन जाती है ऐसी छोटी छोटी अतिवृद्धियों का। आगे बात समझ में? और इसमें जो श्रृंखला बनती है उसे कोनिडिया कहते हैं। इस तरीके से यानी अतिवृद्धियां जैसे मुकुल में एक बन रही थी ना, वैसे ही यहाँ पर छोटी छोटी श्रृंखला के रूप में क्या बनती है, छोटी छोटी संरचनाएं बनती है जिसे कोनिडिया कहा जाता है। और कोनिडिया जो होते हैं वो किस रूप में लगे रहते हैं, जो बड़े होते हैं वो तो आगे इधर इस तरफ होंगे और जैसे जैसे आप पास आते जाओगे साइज कहती होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और ये बड़े जो है वो परिपक्व होके क्या होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, नए जीवाणुओं के रूप में क्या होते रहते हैं, विकसित होते हैं। तो ये जो संरचना बनी ना श्रृंखलाबद्ध, इसको कोनिडिया कहते हैं। और ये कैसी होती है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। फिर आता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, तो यहाँ पर जो है अंतः बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये जो कोशिका द्रव्य होता है वो सारा अपना जल जो होता है वो क्या कर देता है, निकाल देता है। और कुछ जो जीव द्रव्य होता है उसका मेन कंटेंट होता है वाटर, अधिक मात्रा पानी की होती है। तो पानी अगर निकल गया तो जीव द्रव्य सारा सिकुड़ के क्या हो गया, यहाँ क्या होगा, इकट्ठा हो गया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है, जल त्याग कर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़े हुए कोशिका द्रव्य के ऊपर क्या होती है, एक छोटी सी मोटी सी भित्ति बन जाती है, इसके ऊपर एक भित्ति बन जाती है। और ये जो संरचना बनती है इसको क्या कहते हैं हम, अंतः बीजाणु कहते हैं। बैसिलाई जो जीवाणु होता है उनके अंदर ये आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। और कोनिडिया जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिटिस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल से नोट्स में दिए हुए हैं, देख लेना। उसके बाद लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जो सांकेतिक लैंगिक जनन जो होता है, मतलब जैसे लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है बेटा, जो माता के और पिता के दोनों के गुण क्या आते हैं, संतति में आते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो जरूर देखने को मिलती हैं, जिनकी विधियों के नाम है सयुग्मन, रूपांतरण और पराक्रमण। आगे बात समझ में? तो ये जो है लैंगिक जनन की विधियां जो है वो पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जो जीवाणु है उनकी उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, वैसे नोट्स के अंदर दे दिया है मैंने, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। कि देखो सबसे पहला आता है
अगर आपको नोट्स आपने लिख लिए हैं तो नोट्स में से देख लेना, मैं पढ़ा रही हूँ। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है, समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में बदलना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके बाद इनके औद्योगिक महत्व भी हैं। औद्योगिक महत्व के अंदर क्या महत्व है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध होता है ना, दूध से दही जमता है, किसकी वजह से, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनता है। दूध में लैक्टो शर्करा पाई जाती है, उसको अपघटित किया जाता है किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। तो दूध किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दही में। तो दूध को दही में बदलने का काम किया जाता है, पनीर में बनाने में मदद करता है। इसके अलावा चमड़ा उद्योग जो होता है, चमड़े पे देखो कोई भी गाय है भैंस है मर जाती है, तो चमड़ा जो है जो कसाई होता है वो क्या करता है, या मोची जो होता है वो क्या करता है, उसके चमड़े को निकाल के ले जाता है, पर उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो वसा होता है, तो वसा को और बालों को अपघटित कर दिया जाता है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। तो इस तरह से चमड़ा उद्योग में भी काम किए जाते हैं। इसके बाद रसायन उद्योग में जैसे कि ग्लाइकोन हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ऐसी चीजें जो होती है वो बनाने के लिए जीवाणु का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद रेशे बनाने में भी इनका यूज किया जाता है, एंटीबॉडीज जो होती है वो बनाने में भी इनका काम में लिया जाता है, मल निष्पादन यानी जो पानी है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, जैसे कि बारिश का पानी है या नालियों से निकला पानी, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो अगर उसको टैंक में भर दो तो जीवाणु अपने आप डेवलप होते हैं और उन सूक्ष्म जीवों को क्या हो जाते हैं, खा जाते हैं। तो इस तरह से पानी की सफाई करने में भी या मल निसंदन में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। हानिकारक प्रभाव क्या है कि हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य में कुछ संक्रमित रोग होते हैं, न्यूमोनिया होता है किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, या टीवी जिसको हम, या तपेदिक बोलते हैं जिसको हम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसके अलावा जो पादप है उनके अंदर भी, मूली टमाटर गोभी के अंदर जो है एराइडी जो जीवाणु होता है उसकी वजह से रोग होता है, नींबू में सिट्रस रोग होता है, जेंथोमोनास सिट्राई जो जीवाणु होता है उसकी वजह से। तो ये सब क्या है, जीवाणुओं की हानियां हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो मोनेरा जगत है वो कंप्लीट होता है। कल हम लोग मोनेरा के बाद जो जगत आता है प्रोटेस्टा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।